तो इस पे जो है मैं अभी रुका पड़ा हूँ, और अभी हम इसके बाद जो है अभी चाय वाय पियेंगे और फ्रेश होंगे। ब्रुश ब्रुश करने के बाद जो है हम आगे जाएंगे, आगे यार्ड जाएंगे, और यार्ड जा कर के हम जो है उस गाड़ी को डिलीवर लेंगे। और डिलीवर होने के बाद जो है हम उसकी एक चेक करेंगे, जो भी चेक करेंगे, जो भी चीज़ें होती है जो फिज़िकली चेक करते हैं गाड़ी की, वो सारा चीज़ें चेक करके फिर हम आपको बताएँगे। और मैं उसमें बॉडी बाइक आज का जो वीडियो है उसमें आपको बॉडी का बताऊँगा, थोड़ा सा मैं आपको प्राइस भी क्लियर कर दूँगा कि कैसे वो प्राइस कितने का हमने लिए थे, वो भी मैं आपको इसमें मेंशन कर दूंगा। गैस अभी मैं ना देहरादून पे हूँ, और देहरादून पे आने के लिए आ रखा था। मेरा एक वीडियो पहले भी डाली थी जिसमें मैं देहरादून आ रखा था, उस गाड़ी में कुछ प्रोसेस चल रहा था और गाड़ी जो है ना निकल नहीं पा रही थी, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स इशू रह गया था, तो मुझे दोबारा फिर से आना पड़ा था। आप देखोगे एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था जिसमें मैंने रूम के ऊपर वाला बोला था, उस टाइम भी मैं आया था गट, मैंने वो वीडियो डाल नहीं पाया था कंप्लीट गाड़ी के ऊपर। तो अभी हो गया तो उसको निकालने जा रहे, तो इस गाड़ी के ऊपर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा रेट वेट प्राइस वाइज बताऊँगा कितने में मैंने निकाला। बाकी जो है इस गाड़ी के ऊपर मैं एक्सीडेंटल की चीज़ें कैसे देखा जाता है, गाड़ी को एक्सीडेंटल में कैसे चेक किया जाता है, किस तरह से आप चेक करेंगे गाड़ी को, ये कम्प्लीट चीज़ें जो है मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा, ठीक है, कि किस तरह से आप गाड़ी को चेक करके देखें कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है। मैंने काफ़ी टाइम पहले बोला था कि एक वीडियो मैं डालूंगा जिसमें आपको एक्सीडेंटल का बताऊंगा कि किस तरह से पकड़ा जाता है, ठीक है, साइड में, फ्रंट पे, लेफ्ट में, बैक पे, तो किस तरह से आप देखें कि गाड़ी जो है ये वन है या वो एक्सीडेंटल नहीं है, ठीक है। ये देख लो अभी जो है मैं ये देहरादून पे हूँ, इस होटल के ऊपर मैं अभी रुका पड़ा हूँ, क्योंकि अभी मैं जो है हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद आगे हम जो है गाड़ी को चेक करेंगे, हम डिलीवर लेंगे, उसके बाद उसके वो थोड़ा सा जो है उसके प्रोसेस के ऊपर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, कि गाड़ी को एक्चुअली जब यार्ड से आप निकालते हो तो कैसे आपको क्या क्या चीज़ें जो है देखना ज़रूरी होता है, चाहे आप फॉर सेल से ख़रीदो चाहे आप कहीं से भी खरीदो, गाड़ी को बॉडी वाइज कैसे, अगर हो एक्सीडेंट होगा भी तो हमें कैसे पता चलेगा, अगर नहीं होगा तो हम उसे कैसे चेक करेंगे, ये सारा कंप्लीट चीज़ें जो है आपको दिखाएंगे। तो आपको अभी मैं जो है रिसेप्शन पे आया था, तो चाय पीना था, तो चाय की वजह से जो है इनको बोलना पड़ा कि चाय पीने के बाद जो है यहाँ से निकलेंगे, और यहाँ से जब हम निकलेंगे तो आगे हम जो है वीडियो के अंदर पूरा सारी चीज़ें बताएंगे। रह गया था थोड़ा सा उस पेपर वर्क की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ गया था, तो हमें ये दो बार जो है तो दो बार आना पड़े, एक बार उस टाइम आए थे तो उस टाइम वर्क नहीं होता, काम नहीं होता, तो चले गए थे। अभी नेक्स्ट डे पहली बार अब दूसरी बार जा रहा हूँ, तो उसमें पेपर अभी के अंदर एक्सीडेंटल का क्लियर करेंगे, ठीक है। कुछ होने के बाद भी जो है प्रोसेस होने के बाद भी हमारी पेपर होने के बाद भी जो है हमारी रिजेक्शन क्यों हो गया था, गाड़ी क्यों नहीं निकली, ठीक है, तो वो भी चीज़ें मैं आपकी दूसरी वीडियो में क्लियर करूँगा। ये होटल है, इस होटल में मैं जो है रुका हूँ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये जो होटल है इसी होटल पे मैं रुका हूँ, और ये देख रहे हो मेरे बैक साइड पे मैं भी देख सकते हो, ठीक है। तो प्रोसेस में अभी आपको मैं सारा चीज़ें जो है कुछ करके दिखाऊंगा। ये होटल्स में देख रहे हो गाइस, ये वाला जो होटल है ये होटल है, ये ऑर्डर रूम है हमारा, प्रोसेस वगैरह मैं आपको जो है करके दिखाऊंगा, और मिलते हैं फिर, मैं आगे आपको कंटिन्यू बताते हैं इस चीज़ में। वो भी पूरा चारों ऑल राउंड, मतलब जितने भी ऑल राउंड में जो है बेलकोनी का बना हुआ है सारा। बाकी ये है शायद मॉस्किटो के लिए होती है, ये आप देख लो इलेक्ट्रिकल, कोई कीड़ा मकोड़ा जैसे अगर ना हो तो, काफ़ी फ्रेशनेस है, काफ़ी क्लीन है, आप देख सकते हो ये सारे जितने भी हैं रूम बनी हुई है चारों तरफ से। ऐसे ही जो है आपका जो है थर्ड फ्लोर में, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर में भी ऐसे ही सारी चीज़ें जो बना हुआ है, तो आप भी कभी अगर आते हो यहाँ पे तो आप भी जो है स्टे कर सकते हो, रुक सकते हो अच्छे प्राइस में, अच्छे कम बजट के अंदर आपको इतना अच्छा जो है आपको ऐसे रहने देने को मिलेगा। मैं आपको एक बार रेंडमली जाके दिखाता हूँ सारी चीज़ें, आप देख सकते हो सेम ऐसे ही प्रोसेस है, ऐसे ही सारा होटल सब भी ऊपर भी चालू हो जाएगी इस तरह की। देखो ये जो है 301 302 के लिए होती है, ये ऊपर 300 का हो जाएगा, जो अभी जो है हमारा जो है 200
204, 205, 208। ओयो के 600 की रूम में देखो आपको एसी, वाईफाई, टीवी सब कुछ आपको दिया जा रहा है। तो होटल से हम जो है निकल चुके हैं, अभी हम ऑन द वे है, रास्ते पे है, यार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे जाके आपको एक्सीडेंटल की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। होटल के अंदर की जो है कुछ आप देख लो, इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छा लगा रखा है, एसी भी दे रखा है हमें। 500-600 रुपये में आपको ये सब नहीं मिलेगा, ओयो में ही आपको ये मिल सकता है, कहीं भी आप स्टे कर सकते हो। इस तरह की देखो टीवी भी दे रखा है, ऑलमोस्ट है ओवरऑल आपका इंटीरियर वगैरह सब कुछ, बॉक्सेस दे रखा है क्लोथ रखने के लिए और शीशा वीशा भी आपको दे रखा है आपको। सो गाइस अभी देखो हम यार्ड आ चुके हैं, तो ये गाड़ी जो है हम उठा रहे हैं DDIS डिज़ायर है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो चोट दिख रहा है दरवाजे में आपको, ये एक्सीडेंटल नहीं होती है छोटे मोटे ये सब चीज़ को। ये लाइन जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो लाइन दे रहा है बैक साइड से जो ऊपर तक जा रहा है, जो ऊपर से ये छोटे मोटे क्रोच है, जो लाइन देखना होता है ना, ये लाइन आपको देखना होता है। अगर एक्सीडेंटल होगा तो इस लाइन से आपको पता चल जाएगा, जो लाइन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये लाइन है, ये कंपनी फिटिंग जो होता है दरवाजे के ऊपर एक लाइन होती है जो आते हैं। इस लाइन में अगर आपको लगता है कि कुछ उच्च नीच है, दिक्कतें हैं, तो इस लाइन से आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से ठोकी हुई है। ठीक है, और ये जो आगे की प्रोसीजर है, बम्पर है, बम्पर में छोटी मोटी चीज़ें लगती है, लेकिन आपको देखना क्या है, ये बम्पर देखो, ये बम्पर चेंज है। ठीक है, आपको गैपिंग इसमें दिख गया, लेकिन गाड़ी की बॉडी की लाइन मैं बता रहा हूँ, बॉडी की जो लाइन है ये देखो, बोनट के ऊपर भी लाइन जा रखी है। इस लाइन को आपको दूर से शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, देखो दरवाजे के ऊपर लाइन बन रही है, इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, ना लेफ्ट से है ना राइट से है। ठीक है, तो ये लाइन आपको चेक करना है चारों तरफ घूम करके। जब आप चेक करेंगे देखो, एक लाइन नीचे से भी जा रखा है, ये देखो इस लाइन से हमें पता चलता है रिपेयर नहीं है, लेकिन ये है कि लेफ्ट से किसी बाइक ने या छोटी चीज़ों से लगी है जिससे हल्का सा धज गया है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी जजमेंट करनी करें, फ्रंट से भी जो है आपको इसी तरह से जजमेंट करना है। और ये देखो एक 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 आराम से देखो आप, एक ढलान सा जा रहा है गाड़ी के ऊपर, ये ऑलरेडी कंपनी फिटिंग है। अगर ये रिपेयरिंग होती तो आपको इसमें भी पता चल जाता, दूर से आप ना देखना किस तरह की कंपनी फिटिंग होती है। ये देखो मैंने बार बार जो है चारों तरफ से आपको दिखाने की कोशिश किया, तो गाड़ी की एक्सीडेंटल एक्चुअली लेफ्ट से राइट से, दरवाज़ा अगर रिपेयर होगा, बैक से रिपेयर होगा, इन सब। गाड़ी हमने जो है 5.5 लाख की बाय कर ली, देखो उसके बाद ये हमें इसे ले जाना है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये स्टार्ट करने के बाद ही यहाँ पे ले जाते, कोई बड़ा फॉल्ट भी हो सकता है। तो वीडियो में आपको आगे बताएंगे क्या क्या हुई गाड़ी के साथ, क्या क्या हमें फॉल्ट मिले जो हमारे जेब से खर्चा हुआ। डीजल गाड़ी है, इसको ना धक्का मारने से, DDIS है टॉप मॉडल, इसको धक्का मारने से टाइमिंग आउट हो गया, इस वजह से ये इसकी टाइमिंग की रिपेयरिंग हो रही है अभी इसमें। तो आप कभी भी डीजल गाड़ी को टाइमिंग का जो है इसको आउट हो जाती है तो धक्का मत मारना कभी भी इस पर, तो ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ आ रखी है, इसमें भी हमारा खर्चा हुआ। ये जो खर्चा दे रहे हैं ये हमारे जो है जेब से जा रहा है, तो यानी कि गाड़ी ऑलरेडी बाय कर चुके लेकिन स्टार्ट करके इसको ले जाना है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देख सकते हैं, कोई बड़ा फॉल्ट भी। जैसे तैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके ले गए, देखो गाड़ी की चैम्बर खुल गई, ये गैराज में है, यार्ड से बाहर हम लोग किसी 500 किलोमीटर दूर किसी गैराज में फंस गए, ये हमारी चेंज हो गई गाड़ी के अंदर। आप देखो गाड़ी रखी हुई, हम लोग होटल में स्टे किए और इसको रिपेयर करवाए, इसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया। तो आप देख सकते हैं यार्ड्स में अगर बिना नॉलेज की गाड़ी आप खरीदोगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आपके साथ आ सकते हैं, कई बार आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है डायरेक्ट कभी यार्ड से गाड़ी नहीं करनी चाहिए बिना विदाउट नॉलेज की, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। आप अगर किसी चीज़ आप अगर प्रॉफिट के लिए खरीद रहे हो, कई बार आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि हमारे साथ इस वीडियो के अंदर हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग यार्ड से निकल चुके 500 किलोमीटर दूर किसी गैराज में जो है हम लोग इस गाड़ी को रिपेयर करवा रहे, रात भर हम लोग ओयो में रुके और गाड़ी को रिपेयर करवा।